हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सिंह, पूजा कॉर्नर चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली मम्मीज़ के लिए जिनके बेबी 1 से 2 साल के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप भी अपने बच्चे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चे को हेल्दी बना सकते हैं। कैसे, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो भी 1.5 साल की है, जो कि जिसे देख के कोई भी ये नहीं कहता है कि वो 1.5 साल की है। हर कोई ये कहता है कि वो 2.5 साल की है, 3 साल की है। अगर मैं स्कूल भी जाती हूँ, अगर अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, बड़े वाले बच्चे को, तो हर कोई ये कहता है कि इसका भी एडमिशन करा दो ना, क्योंकि उसे बहुत शौक होता है कि पढ़ाई करने का, कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्लास में रहना है बच्चों के साथ। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी बेबी तो अभी सिर्फ 1.5 साल की है, उसका एडमिशन मैं कैसे करा सकती हूँ। जो कि सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कमेंट कर रहा है इस चीज़ को लेके कि मेरी बच्ची 1.5 साल की है, तो लेकिन दिखने में ही 2.5 से 3 साल की लगती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अपने आस पास भी देखती हूँ, पार्क वगैरह में जाती हूँ बच्चों को लेके, तो वहाँ भी देखती हूँ, अपने पड़ोस में भी देखती हूँ कि जो बच्चे हैं जो कि 2.5-3 साल के हैं, लेकिन दिखने में 8-9 महीने के लगते हैं, जो कि वीक भी लगते हैं, जिनकी ग्रोथ भी बहुत ही कम है। तो इसी टॉपिक पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपके बच्चा भी अगर इसी सिचुएशन से जूझ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है मेरा ये वीडियो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं स्पेशली अपने बच्चों को खिलाती हूँ। मैं बाहर से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खिलाती हूँ जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान पहुँच सके। घर में मैं जो भी हमारे पास मौजूद होती है, जो भी दाल चावल सब्जी जो भी मौजूद है, मैं उन्हीं चीज़ों से अपने बच्चे को खिलाती हूँ, जो कि मेरे बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी भी है और मेरे बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ये कि आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो चेंज चाहिए। आप एक ही खाना अगर बच्चे को बार बार खिलाएंगे ना, तो आपका जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको, अगर आप भी ऐसी रेसिपी बनाती है अपने बच्चे के लिए ना, तो आपका बच्चा है ना जो आसानी से खा लेगा, बहुत ही ईजी तरीके से। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, क्योंकि मेरी बेटी भी दूध नहीं पीती है, मेरा तो पीती है, माँ का दूध तो पीती है, लेकिन ऊपर का दूध वो नहीं पीती है। खाने में अगर मैं उसको दूध डाल के दूँ तब तो वो खा लेती है, लेकिन वैसे दूध नहीं पीती है। तो अगर आपका भी बच्चा ऐसा ही है कि दूध नहीं पीता है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो रोटी जो है आपको क्या करना है, दूध के अंदर रोटी को, पतली सी रोटी, जितनी हो सके आप पतली रोटी बना सकती है बना लीजिए। बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको दूध के अंदर इतनी क्वांटिटी रखनी है कि जितना आपको बच्चे को खिलाना है उतना ही आपको दूध रखना है, जिससे कि रोटी जो है उसके अंदर भीग जाए। उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जब वो थोड़ी देर भीग जाए तो उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ी सी आप चाहे तो उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं मिठास के लिए, तो जिससे कि बच्चा का जो टेस्ट है थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लगेगा, तो खाएगा भी और गुड़ फ़ायदा भी करता है पेट के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप वो कर सकते हैं, मैश करके आप अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, तो बच्चा ईजिली खा लेगा वो। अगर चावल बच जाए आपका दोपहर में, अगर आप चावल बना रही हो, चावल बच जाए, तो आपको क्या करना है कि चावल की आप खीर बना दीजिए, शाम को खीर बना लीजिए उसका। 1.5 गिलास दूध लीजिए, इतना लीजिए कि बच्चा की जितने बच्चा खा सके वो खीर। अगर आपका बच्चा आधा कटोरी खाता है या 1 कटोरी थोड़ी से कम खाता है, मेरी बेटी तो 1 कटोरी थोड़ी से कम खाती है खाना, तो मैं उसके खाने में कम से कम 1.5 गिलास दूध ऐड करती हूँ, जिससे कि वो खीर बन के बिल्कुल गाढ़ा और टेस्टी बनता है बहुत ही ज़्यादा। उसमें आप नट्स डाल सकती हैं, नट्स की पाउडर डाल सकती हैं, थोड़ी सा टेस्ट उसका आए उसके लिए आप उसमें इलायची डाल दीजिए, इलायची हो गई या फिर तेज़पत्ता हो, इलायची डाल दीजिए, तेज़पत्ता डाल दीजिए, जिससे कि उसमें खुशबू भी आएगी और बच्चे को टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा, तो जो बच्चा है ना वो बहुत ईजी से खा लेता है। दूध के लिए आप चाहे तो उसमें केला जो होता है ना, केले को आप मैश कर लीजिए। केला स्पेशली बच्चे, कुछ बच्चे तो खा लेते हैं नॉर्मली ऐसे, लेकिन कुछ बच्चे केला नहीं खाते हैं, तो आपको करना है केले को मैश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए, जिससे कि बच्चे को जो दूध का प्रोटीन है ना वो बच्चे को मिल जाएगा आसानी से। तो आप ये कर सकती हैं, आजकल मैंगो मिल रहा है मार्केट में, मैंगो आ ही गए हैं, तो मैंगो शेक आप बना के बच्चों को पिला सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करेगा
जैसे कि ज़्यादा तो देना ही है बच्चों को, कम से कम अगर छोटा मैंगो है तो आप छोटा एक जूस बना के बच्चों को खिला दीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। केला बच्चे के वेट को भी बढ़ाएगा और उसको बहुत सारी प्रोटीन भी मिलेंगी। और क्या बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा दाल खाता है तो दाल चावल आप खिला सकती है दोपहर में। दाल चावल के लिए आप ये कर सकती है कि जो चावल है, जब गरम गरम हम चावल बनाते हैं तो उसी टाइम उसको लेके चम्मच से उसको मैश कर दीजिए थोड़ा सा। मैश करने के बाद चम्मच से उसके अंदर आप दाल ऐड कर दीजिए। दाल ऐड करने के बाद उसको आप खिलाएंगे बच्चे को तो इजीली बच्चा खा लेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके दांत नहीं निकलते हैं बहुत जल्दी, कुछ के तो निकल जाते हैं लेकिन कुछ के नहीं निकलते हैं, तो जो कि बच्चा इजीली खा लेता है। दाल रोटी खिला सकती हैं आप, चाहे तो दाल के अंदर रोटी पतली सी रोटी डाल दीजिए उसके अंदर, और जब फूल जाए वो थोड़ा सा तो आप उसको मैश करके बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चा इजीली खा लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। वेजिटेबल हो गया, खिचड़ी हो गई, खिचड़ी में आप वेजिटेबल डाल सकती हैं, आलू थोड़ी सी घिस के डाल दीजिए, जो वेजिटेबल आपके पास मौजूद है वो थोड़ी सी आप डाल दीजिए खिचड़ी के अंदर। जब खिचड़ी मूँग की दाल की अगर आप खिचड़ी बना रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि बच्चे को बच्चा जो है आसानी से पचा लेता है। तो आप मूँग की दाल की खिचड़ी बनाएं और उसमें सब्जियां डालें, और जब खिचड़ी बनके तैयार हो जाए तो आप उसमें छौंक लगाएं घी, घी का लगाएंगे ना तो बेटर रहेगा। घी में आप जीरा डाल सकती हैं, जीरा हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, थोड़ी सी लहसुन की कलियां जो बारीक काट के उसमें छौंक लगाएंगे ना, तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और बच्चा जो है ना इजीली खा लेता है। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई करें जो जिससे कि बच्चा खा लेता है। सब्जियाँ हो गई, सब्जियों का आप बॉईल करके, अगर आपका बच्चे की दांत निकल गए हैं तो बच्चा रोटी खाता है, तो इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि जो वेजिटेबल जो आपके पास होती है ना उसकी क्या करना है, आपको बॉईल कर लेना है। आप कुकर में एक दो सीटी लगा दीजिए, बॉईल हो जाएगा आसानी से। सीटी लगाने के बाद आपको करना है आटे के अंदर जितना भी आपका बच्चा खाता है, अगर आपको दिन में एक दो रोटी खिलानी है तो उस हिसाब से थोड़ी सी लीजिए और वेजिटेबल को उसके अंदर ऐड करके आटा गूंद लीजिए। उसमें आप नमक डाल सकती हैं, टेस्ट के लिए आप उसमें अजवाइन वगैरह डाल दीजिए जिससे कि खाना पचता भी आसानी से है। तो आप ये कह सकती हैं बच्चे को रोटी को खिलाने के लिए आप ये दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये चुकंदर, चुकंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, खून भी बढ़ाता है, तो चुकंदर को भी आप बॉयल करके उसकी रोटी बना के बच्चों को दे सकती हैं। उसमें नमक डाल के, नमक अजवाइन कलौंजी डाल दीजिए, टेस्ट भी अच्छा आता है, जो कि बड़े भी खाते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों को भी देंगे तो बच्चा भी खा लेगा। बच्चे को फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट्स में एप्पल हो गया, एप्पल का क्या करना है आपको बारीक बारीक काट के बच्चों के सामने रख देंगे ना तो बच्चा खुद ही खा लेता है, खुद ही खा लेगा, छोटे छोटे पीस खुद ही उसके मुँह में चला जाएगा। अगर बड़ा पीस देना है तो एप्पल का बड़ा पीस करके पतला सा काट के उसको दे दीजिए हाथ में, वो खुद ही घूम घूम के खाता रहेगा। अनार जो कि बच्चे खाते हैं, अनार पसंद होता है, कलरफुल होता है, रेड होता है, जो देख के अट्रैक्ट होते हैं और खा लेते हैं बच्चे, तो आप छील के उनको कटोरी में दे दीजिए, वो खा लेंगे। सैलेड में आप खीरा दे सकती हैं, खीरा को काट के उसमें नमक डाल दीजिए, हल्का सा नींबू, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, चटक सा लगेगा, जिससे बच्चा ही खाएगा, बहुत अच्छे से खाते हैं बच्चे, तो आप वो दे सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन में मिलेंगी बच्चों को। सूजी की बताती हूँ मैं आपको, एक खिचड़ी कैसे बनानी है आपको, बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको क्या करना है, सूजी अगर आप दो चम्मच भी सूजी ले, दो ढाई चम्मच सूजी ले लीजिए, एक दो बार बच्चा खा लेता है, इसमें दो चम्मच भी लेगी तो बन जाएगा, आराम से बन जाता है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि बॉयल आलू खींच देना है, जो वेजिटेबल खींच सकती हैं आप, कुंदरू हो गया, परवल जो कि भूख को बढ़ाता है, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, इन सारी चीज़ों का आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी घिस देनी है। घिस के आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ी सी टेस्ट के अनुसार उसमें नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दिए कलर के लिए, जैसे कि बच्चा अट्रैक्ट हो उसके प्रति। तो आपको क्या करना है, उसको बॉईल कर लेना है थोड़ी देर, जब वो बॉईल हो जाए जैसे कि अगाढ़ा बन जाता है, आप उसको चलाते रहें, क्योंकि अगर आप उसको रख देंगे ऐसी ना तो उसमें ना गांठी पड़ जाती, तो आप ऐसे बिल्कुल भी ना करें। वो जब तक बन ना जाए थोड़ा थोड़ी टाइम पर उसको चलाते रहें जिससे बन जाए। अच्छा, वो बन जाए तो आपको थोड़ी सी उसमें क्या करना है, चाहे तो उसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए टेस्ट के लिए, वो भी अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है उससे कड़ी पत्ते से। उसके बाद आप अपने बच्चों को खिला सकती हैं, थोड़ा सा घी डाल के बच्चे खा लेते हैं, जिनके दांत में निकले हैं और जिनके दांत हैं वो टेस्ट के लिए खाते हैं बच्चे। तो ये सारी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और बच्चा हेल्दी भी बनता है। तो ये
ये सारी चीज़ें आप देख के देखें, आपको खुद पता चलेगा, आप फर्क खुद देखेंगे। एक महीने आप ट्राई करके देखें, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा इन सब चीज़ों का। जो भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बच्चे को किसमिस पसंद होती है, किसमिस दीजिए, किसमिस खा लेता है बच्चा। किसमिस हो गया, मखाने हो गया, आप देंगे ना तो बच्चा खा लेता है। मखाने वही बच्चे खाएंगे जिनके दांत निकले हैं। अगर आपके बच्चे के भी दांत निकले हैं तो आप मखाने देंगे तो बच्चा खा लेता है। तो आप देखिए, आप जब आप देने लगेंगे, जब आप अपने बच्चों को खिलाने लगेंगे ये सब खाना, तो आपके दिमाग में खुद आएगा कि हाँ मैं अपने बच्चों को ये भी दे देती हूँ, जिससे कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये आप सारी कोशिश करें, आपको फ़र्क खुद पता चलेगा। मैं तो बताती रहूँगी हमेशा, कुछ ना कुछ टिप्स देती रहूँगी आपको, जिससे कि आपको पता चल सके। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी का जो बेबी है, जो अनहेल्दी है, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को जिससे कि पता चल सके और अपने बच्चों को खिलाएंगे तो फ़र्क खुद पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखें एक बार, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, या अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो जाननी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अगली वीडियो जो है हमेशा किसी ना किसी टॉपिक में हमेशा मैं डालती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आप। सो थैंक यू सो मच। Bye-bye.